हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि का पार्ट 17 पर आ पहुंचे हैं। और बच्चों, मैं पहले 16 पार्ट करा चुका हूं, तो चलिए अब हम समझेंगे क्वेश्चनों को। और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो डिस्काउंट यानी बट्टा। चलिए अब हम समझेंगे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर एक, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए एक दुकानदार को एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 340 रुपये में बेचने पर हानि होती है। क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए एसपी यानी विक्रय मूल्य 340 रुपये में बेचने पर देखिए हानि, तो देखिए माइनस का निशान हो जाएगा सीपी। और देखिए 500 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, तो देखिए लाभ हो रहा है तो प्लस का निशान एसपी 500 रुपये। तो देखिए हानि हो रही है तो देखिए माइनस एक्स और प्लस, देखिए लाभ हो रहा था एक्स, तो देखिए इनके बीच का अंतर देखिए डिफरेंस कितना है 2x, और इनके बीच का अंतर देखिए, तो देखिए 500 माइनस 340, तो देखिए 160, 160, तो देखिए 2x बराबर 160 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 80, 80। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए यहां हानि हो रही है तो देखिए 340 में प्लस हो जाएंगे 80, तो देखिए 420, और देखिए यहां लाभ हो रहा है तो यहां माइनस हो जाएंगे, देखिए 500 माइनस 80 तो 420। तो नोट कर लीजिए ये हमारा आंसर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर दो की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दो की तरफ। क्वेश्चन नंबर दो, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए किसी वस्तु को 786 रुपये में बेचने पर जितना नुकसान होता है, उसी वस्तु को 1386 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उस नुकसान से 5 गुना है। क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए सात सौ छियासी, देखिए नुकसान हो रहा है यानी हानि हो रही है तो माइनस सीपी, और देखिए आगे क्वेश्चन में 1386 रुपये में उसी वस्तु को 1386 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, तो देखिए लाभ हो रहा है तो प्लस का निशान 1386। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है हुआ लाभ उस नुकसान से 5 गुना है, तो देखिए माइनस एक्स और 5x, तो देखिए इनका डिफरेंस कितना है 6x, 6x, और देखिए इनका डिफरेंस देखिए 1386 माइनस 786, तो देखिए इनका डिफरेंस कितना है 600। देखिए 6 में से 6 माइनस कर देंगे 0, 8 में से 8 माइनस कर देंगे 0, और 3 में से 7 माइनस नहीं होंगे तो 10 की दहाई ले लेंगे, 10 3 13, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6, देखिए 600। तो देखिए यहाँ 600 और यहाँ 6x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100, x बराबर 100 हो जाएगा, तो देखिए 100 और यहाँ 500,
अब आगे देखिए क्वेश्चन में, क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए 786, देखिए नुकसान हो रहा है तो यहां प्लस हो जाएगा, देखिए तो 886, और देखिए यहां प्रॉफिट हो रहा है तो 1386 माइनस 500, यहां माइनस हो जाएगा, तो देखिए कितना हुआ 886। तो नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना है 886। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे, तो नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए 800 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है, तो ज्ञात कीजिए 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि, देखिए 275 रुपए में हानि, देखिए बेचने पर हुई हानि सीपी, और देखिए आगे क्वेश्चन में 800 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, तो देखिए लाभ हो रहा है तो प्लस का निशान 800 रुपए, 800 रुपए। तो देखिए देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हानि का 20 गुना है तो ज्ञात कीजिए, देखिए 20 गुना है तो माइनस एक्स और 20x, तो देखिए इनका डिफरेंस कितना है 21x, और इनका डिफरेंस देखिए 800 माइनस 275, तो देखिए 10 की दहाई ले लेंगे यहां से, तो देखिए 10 में से 5 माइनस कर देंगे 5, और यहां 9, 9 में से 7 माइनस कर देंगे 2, और यहां 6 में से यहां 7 बचे, देखिए 7 बचे, और 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो 5, तो देखिए 525, तो देखिए 21x बराबर 525, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 21 दूनी 42 और बचे 10 और 5, 21 पंजे 105, तो देखिए x बराबर 25, 25 और देखिए 25, 25 दूनी 50, तो यानी 500, 500, तो देखिए 275 प्लस, देखिए हानि हो रही है तो प्लस हो जाएगा, देखिए कितना 25, तो 300, और देखिए यहां देखिए 800, और देखिए लाभ हो रहा है तो माइनस हो जाएगा 500, तो देखिए 300, और देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए, तो देखिए 300, देखिए 20% प्रॉफिट बराबर 20%, तो 300 गुणा 20, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 30 दूनी 60, तो देखिए 60 ये और हो गया, तो 300 प्लस 60, तो देखिए कितना हो जाएगा 360, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं, इसे देखिए यहां लिख देता हूं, तो देखिए 300 ये और 60 ये, तो देखिए 300 प्लस 60, तो बराबर 360, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, चार क्वेश्चन नंबर 4।
तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 527 रुपए में बेचने पर हुई हानि के 11 सही 1/9% ज्यादा है। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 527 रुपए में बेचने पर हुई हानि, देखिए 527 रुपए में बेचने पर हुई हानि, तो देखिए हानि है तो माइनस का निशान सीपी, और देखिए 717 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, तो देखिए लाभ हो रहा है तो प्लस का निशान 717। तो देखिए आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हानि के 11 सही 1/9% ज्यादा है। तो देखिए 11 सही 1/9% ज्यादा है, तो देखिए 11 99 100/9 और गुणा 100, तो देखिए 100 एकम 100 और 100 एकम 100 और देखिए 9 एकम 9, तो 1/9 1/9 और देखिए ज्यादा है तो प्लस का निशान 9 और 1 10/9। तो देखिए 9x और 10x माइनस 9x 10x, तो देखिए इनका डिफरेंस देखिए कितना है 19x और देखिए इनका डिफरेंस देखिए, तो देखिए 7 मैं से मिटा देता हूं, देखिए 717 माइनस 527, तो देखिए 7 में से 7 माइनस करेंगे तो 0 और देखिए 1 में से 2 माइनस नहीं होगा तो 10 की दहाई ले लेंगे, 10 और 1 11 11 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो 9 और देखिए यहां कितना बचा 6, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 यानी 190। तो देखिए 19x बराबर कितना हो गया 190, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, तो देखिए 10 नाम 90 और 10 धाम 100, तो देखिए 527, तो देखिए यहां नहीं हो रही तो प्लस हो जाएगा, देखिए 527 90, तो देखिए कितना हो जाएगा 7 7 और देखिए 9 और 2 11 का 1 हासिल के 1 और 5 और 1 6 यानी 617 और देखिए यहां देखिए 717 माइनस 100 तो देखिए कितना हो जाएगा 617 और देखिए आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए 10% का प्रॉफिट और है, 10% प्रॉफिट, तो देखिए 617 का 10% देखिए, तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल और देखिए जब 1 0 है नीचे तो 61.7। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो देखिए 617 प्लस 61.7, तो देखिए 678.7 तो 678.7 ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसे नोट कर लीजिए। तो विक्रय मूल्य क्या होगा वस्तु का 678.7।